दोस्तों, आज से आम आदमी पार्टी एमसीडी के विषय में एक नई सीरीज की शुरुआत कर रही है, जिसके अंदर आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को एजुकेट करेंगे कि क्या-क्या काम हैं जो सीधे सीधे दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली के अंदर मल्टीपल एजेंसीज होने के कारण बहुत सारे लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन ही रहती है कि ये काम दिल्ली सरकार का है, एमसीडी का है, केंद्र का है, किसको करना था, कौन नहीं कर पाया। तो आज हम दिल्ली का एक बहुत बड़ा अर्बन इशू, शहरी समस्या लेके आए हैं, जो सीधा सीधा दिल्ली के अंदर एमसीटी के अंदर आता है। वो इशू है कार पार्किंग का इशू। चाहे आप फ्लैटों में रहते हो, चाहे आप कोठियों में रहते हो, गाड़ी खड़ी करना अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। मार्केट्स के अंदर पार्किंग की बात हो, दफ्तरों के बाहर पार्किंग की बात हो, कमर्शियल एरिया में पार्किंग की बात हो, हर जगह पार्किंग अपने आप में एक समस्या है। नहीं होने के कारण, सही रेगुलराइज पार्किंग नहीं होने के कारण सड़कों पे लोग इधर उधर पार्किंग करके जाते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, और भी बहुत सारी समस्याएं। एक छोटी सी स्टडी दिल्ली के विषय में फ्रॉस्ट एंड सुलिवन नामक संस्था ने की थी, और उसने कहा कि ऑन एन एवरेज दिल्ली के अंदर एक आदमी एक साल में 80 घंटे अपनी जिंदगी के सिर्फ पार्किंग ढूंढने के अंदर बिताता है। और मैं आपको एक छोटी कॉलोनियों की बात नहीं कर रहा, ग्रेटर कैलाश जैसी कॉलोनी के अंदर भी अगर आपको किसी के घर जाना हो तो आप उसके घर के चारों ओर 4-5 चक्कर लगाओगे, तब जाके आपको पार्किंग के लिए कोई जगह मिलेगी, तब आप कहीं पे गाड़ी पार्क करोगे, तब आप वहां उसके घर जा पाओगे। इतनी भारी समस्या है। जो लोग कॉलोनियों के अंदर रहते हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, वहां पे भी गाड़ी पार्क करने को लगभग रोज किसी ना किसी का झगड़ा होता है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज के अंदर झगड़ा होता है। दिल्ली के अंदर माना जाता है 2 करोड़ की आबादी है, और दिल्ली के अंदर 1,30,00,000 व्हीकल रजिस्टर्ड है। मतलब हर 3 आदमियों में दिल्ली में 2 के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि है। ये रजिस्ट्रेशन है जो दिल्ली के अंदर ही रजिस्टर्ड है। और दिल्ली के अंदर करीब करीब 1 करोड़ वाहनों की पार्किंग की जरूरत है। 1,30,00,000 में से कम 1 करोड़ की तो पार्किंग की जरूरत है कि उनको पार्किंग के लिए जगह की चाहिए। और आपको हैरानी होगी, पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम के मैनिफेस्टो के अंदर पार्किंग स्पेस बनाने का वचन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को दे रही है। और 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, इनके मैनिफेस्टो से मैं पढ़ रहा हूं, कि ये 100 मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। 2012 में इनका वादा था, और आज 2021 है और 2022 शुरू होने वाला है। 10 साल के अंदर 100 में से इन्होंने, मुझे लगता है, अब तक 10 पार्किंग स्पेस भी नहीं बनाए हैं। पिछले चुनाव में 2017 में साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक अलग से और वादा किया, ये 100 का वादा तो पूरा नहीं हुआ, उन्होंने एक और वादा किया कि हम 27 पार्किंग स्पेस बनाएंगे साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। और जो हमारी जानकारी है, सिर्फ 2 पार्किंग स्पेस ये पूरे 5 सालों में बना पाए हैं। एक ग्रीन पार्क के अंदर है और एक अच्छिनी के अंदर है। एक के अंदर 50-60 गाड़ियां लगती हैं, दूसरे के अंदर 20-30 गाड़ियां लग सकती हैं। पूरे 5 साल के अंदर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 100 गाड़ियों के लिए भी पार्किंग स्पेस नहीं बना पाया। और ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के बारे में तो आपको मालूम ही है,
एक साल के अंदर अंदर वो पार्किंग का स्ट्रक्चर भी नीचे आके गिर पड़ा और उसके अंदर गाड़ियां भी दब गई। ये अभी 2 हफ्ते पुरानी जो है ये बात है। ग्रेटर कैलाश के अंदर, ग्रेटर कैलाश पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर दो चुनाव तो मैं देख चुका हूं एमसीडी के, जिसमें हर चुनाव के अंदर कहा जाता है कि ग्रेटर कैलाश की मार्केट की पार्किंग पास हो गई है, बस शुरू होने वाली है। अभी तक उस पार्किंग का कोई नामो निशान नहीं है। और सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि एमसीडी ने दुकानदारों को नोटिस देकर उनकी दुकानों को सील कर सील करने की धमकियां देकर साउथ दिल्ली की लगभग सभी मार्केटों से करोड़ों रुपए का कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज इकट्ठा किया है। अभी जो पार्किंग चार्ज है ये एस्क्रो अकाउंट के अंदर रखा जाता है कि इसका पैसा आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पिछले कुछ सालों में जो पार्किंग के लिए पैसा आया है वो करीब करीब 400 करोड़ रुपया साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन मार्केट से इकट्ठा किया है पार्किंग बनाने के लिए। और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 284 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए, पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए इन मार्केट से पैसा इकट्ठा हुआ है। तो पूरी दिल्ली का अगर आप देख लें तो कम से कम मेरे हिसाब से एक मोटा मोटा अंदाजा भी मैं लगाऊं तो कम से कम भी तो 700-800 करोड़ रुपया तो पक्का इन्होंने इकट्ठा किया है और इन्होंने पार्किंग नहीं बनाई। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था कि 100 पार्किंग लॉट बनाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, उसका क्या हुआ? फिर 2017 में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा था कि हम 27 जगह मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, उसका क्या हुआ? और अब तक कितनी पार्किंग जो है वो बना पाए? 2018 के अंदर हाईकोर्ट ने नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बाकायदा पूछा कि आपके पास 445 करोड़ रुपया मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए है, तब भी आपने गांधी मैदान चांदनी चौक स्थित वहां पे पार्किंग क्यों नहीं बनाई? ये हाईकोर्ट का सवाल 2018 में एमसीडी से था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर करोल बाग के व्यापारी गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ कंटेंप्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई, अवमानना, अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर किया गया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट देने के बावजूद नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करोल बाग के अंदर पार्किंग नहीं बनाई जिसका पैसा उनके पास मौजूद है। अब सवाल यह उठता है कि बार बार वादा करने के बाद भी दिल्ली नगर निगम मल्टी लेवल पार्किंग क्यों नहीं बना पाता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी पार्किंग है उसके अंदर बड़ा हिस्सा इलीगल पार्किंग है, अनऑथराइज पार्किंग है। और उन पार्किंग के जो ऑपरेटर हैं, जो पार्किंग माफिया है, वो भाजपा के जो एमसीडी के अंदर नगर निगम के नेता हैं और नगर निगम के जो अफसर हैं उनके साथ उनकी साठगांठ है। इसलिए ये पार्किंग का जो इलीगल पार्किंग का जो पूरा का पूरा धंधा है ये लगातार दिल्ली के अंदर चल रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं की जा रही। एक और मैं आपको पार्किंग माफिया के बारे में ही बताऊं कि 1 करोड़ गाड़ियों की पार्किंग की दिल्ली के अंदर जरूरत है और दिल्ली में मात्र 1 लाख गाड़ियों की ऑफिशियली जगह है, जो ऑफिशियली कमर्शियल पार्किंग स्पेस उपलब्ध है वो मात्र 1 लाख गाड़ियों के लिए। पिछले चुनाव के अंदर एमसीडी में भाजपा ने वादा किया था कि इस बार वो लोग
एमसीडी के अंदर आएंगे तो पार्किंग के विषय में खास तौर पे कुछ तब्दीलियां करेंगे ताकि पार्किंग माफिया को खत्म कर सकें। अब ये सारी की सारी चीजें क्या थी, इसके बारे में इन्होंने कहा कि जहां जहां पे भी ऑफिशियल पार्किंग अलॉट होगी, जहां जहां पे भी टेंडर होगा, वहां पर एक बाकायदा नक्शा लगाया जाएगा कि पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के पास कितना स्पेस है जिसके अंदर पार्किंग कर सकते हैं, उसके रेट्स लगाए जाएंगे, पार्किंग लेने वालों की बाकायदा ड्रेस होगी, बाकायदा उनको एक ऑटोमेटिक मशीन दी जाएगी ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो पैसा आप किसी पार्किंग वाले को दे रहे हो वो पैसा एमसीडी के पास जा रहा है, मगर वो भी पिछले 15 सालों में एमसीडी के अंदर नहीं हुआ। यहां तक कि मैं आप पत्रकारों को एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप साकेत के मॉल में चले जाओ, सेलेक्ट सिटी मॉल में चले जाओ, डीएलएफ के मॉल में चले जाओ, वसंत कुंज के मॉल में चले जाओ, आप दिल्ली के किसी भी मॉल में चले जाओ, वहां पे 20 रुपए घंटे के हिसाब से पार्किंग लगती है और सैटरडे संडे को वो बढ़ के 30 रुपए और 35 रुपए हो जाती है। आप अस्पतालों में चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां पे पार्किंग लग रही है। इन सभी मॉल्स को और अस्पतालों को पार्किंग बनाने के लिए जो जमीन दी गई थी, जो फ्लोर दिए गए थे, वो एक्स्ट्रा एफएआर दिया गया था सरकार की तरफ से, और इनका ये कमिटमेंट था कि एक्स्ट्रा एफएआर इनको दिया जा रहा है और इस पार्किंग स्पेस को ये कमर्शियली इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए ये कोई किराया नहीं लेंगे, यहां पे पार्किंग मुफ्त दी जाएगी। मॉल में जितना एफएआर इनको मिल सकता था, अस्पताल में जितना मिल सकता था, उससे ज्यादा सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि पार्किंग के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। और आप किसी भी मॉल में चले जाओ, हर जगह पार्किंग की फीस ली जा रही है, वो सारा 2 नंबर का पैसा है, वो सारा इलीगल है, अनऑथराइज है, और एमसीडी और डीडीए की साठ गांठ में काम चल रहा है। एमसीडी और डीडीए के अफसर और इनके नेताओं की मिलीभगत से हर आदमी से दिन दहाड़े लूट की जा रही है, और इसी लूट को चलाने के लिए दिल्ली के अंदर पार्किंग की व्यवस्था एमसीडी ने पिछले 15 साल से नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ये सारे एमसीडी के डेलीगेट्स हैं, क्योंकि विधानसभा में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पार्किंग जो डोमेन है वो एमसीडी का डोमेन है। वो 2012 में क्योंकि एक ही एमसीडी हुआ करती थी तो 100 का वादा किया गया था, और 2017 में क्योंकि अलग अलग हो गई थी तो 27 का वादा साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया था। और बड़ी बात यह थी कि अलग से इनको पैसा लिया गया जो एस्क्रो अकाउंट में रखा गया, जिसको सिर्फ पार्किंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो पैसा भी इन्होंने लुटा दिया।